नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड ईमेल रिपोर्ट ऑटोमेशन। दोस्तों, एक मजेदार चीज मैं आज आपको कराने वाला हूं, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि करेंसी टू टैक्स कैसे करते हैं। जैसे मैंने आप अगर 1-2 लिखा तो ये यहाँ ये मान लीजिए कि मैंने आप लिख दिया 110 रुपीज, तो यहाँ पे इस तरह से लिखना आना चाहिए कि 110 रुपीज या डॉलर, जो भी आप देना चाहते हैं। तो ये तो इसको करने का तरीका, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियोज मैंने इससे पहले भी डाल दिए थे, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से मुझे कुछ कॉल्स आ रहे हैं, और कॉल्स जो है नॉर्थ इंडिया से हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के भी हैं। वो लोग बोलते हैं कि सर ये हिंदी में होना चाहिए, माने हिंदी फॉन्ट के साथ होना चाहिए 110 रुपए। अब ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने आज तक हिंदी में कोई टाइपिंग वाइपिंग तो नहीं किया था, लेकिन मैं इसको आज आपके साथ करने वाला हूं। तो मजेदार चीज है, हम अमाउंट को करेंसी अमाउंट को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, वो भी इंग्लिश में नहीं, हिंदी में, आज की इस वीडियो में। सो प्लीज पूरी एंड तक वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में ही मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। और साथ में हमारी डेमो क्लासेज है, पेन ड्राइव्स है, वीडियो पेन ड्राइव्स है, ये चीज भी परचेज कर सकते हैं, तो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पहले अपनी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो जो लोगों को पता नहीं कि करेंसी टू टैक्स कैसे करेंगे, उनके लिए हम पहले अंग्रेजी में करेंसी टू टैक्स करके दिखाते हैं। तो अंग्रेजी में करेंसी टू टैक्स करने के लिए क्या करना है, देखिए VA नॉर्मल एक्सेल के थ्रू नहीं होगा, VVA के थ्रू होगा, लेकिन VVA के थ्रू होगा तो कोई इसके लिए बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यहाँ टेल मी मोर हेल्प में जाना है और सर्च करना है नंबर इनटू टेक्स्ट। ये आपके एक्सेल के हेल्प में मिल जाएगा, सिंपल है। यहां देखिए कन्वर्ट नंबर, अच्छा नंबर इनटू टेक्स्ट से नहीं है, नंबर इनटू वर्ड से करते हैं, नंबर इनटू वर्ड, नंबर इनटू वर्ड सर्च कर ले, या फिर कन्वर्ट नंबर इनटू वर्ड, या फिर स्पेल नंबर, एक इसका फॉर्मूला है, वो भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद यहां आपको दिख जाएगा, इसमें सब कुछ बताया हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो मैं बता दूं, एक कोड है, बस इस कोड को आप कॉपी कर ले, बना बनाया कोड है, इसको कॉपी कर ले। अभी तो मैं अंग्रेजी में करके दिखा रहा हूं, क्योंकि तो उसी को मैं हिंदी में कन्वर्ट करूंगा, और उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम डेवलपर टैब में जाएंगे और जाएंगे विजुअल बेसिक। अब हो सकता है कि आपके सिस्टम में डेवलपर टैब ना हो, तो उसको फाइल मेनू से लाना पड़ता है, और कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लाना डेवलपर टैब तो कोई बात नहीं, अल्ट प्लस F11 यहां सामने दिख रहा है, अल्ट प्लस F11 प्रेस करें, इसको प्रेस करते ही आपका जो है VVA खुल जाएगा, खुल गया। उसके बाद यहाँ इंसर्ट में जाए और मॉड्यूल को ऐड करें, मॉड्यूल ऐड करते ही मॉड्यूल 1 आ जाएगी, जो आपने कॉपी पेस्ट किया है उसको पेस्ट कर दे। लेकिन पेस्ट करने के बाद कुछ रेड लाइन दिखेंगे, जैसे बीच में जगह है, इसको आप जो है अंडरस्कोर के बाद लाइन ब्रेक होता है, इसलिए ऐसा आया हुआ है, एक्स्ट्रा स्पेस आ गया था। उसके बाद इसको आगे ऊपर बढ़े तो एक जगह और आएगा रेड लाइन, ए अंडरस्कोर दिख रहा है आपको, तो इसके आगे से नीचे आएगा, दो चीजें कर दीजिएगा, हो गया। अब जो है अगर मैं यहां पे लगाऊं फॉर्मूला स्पेल नंबर का और इसको एंटर करूं, तो $110.09 करके आ रहा है, $10.09। अब डॉलर वगैरह को हटाना चाहते हो डॉलर्स को हटाना चाहते हो तो यहां से डिलीट कर दो,
और यहाँ पे नो डॉलर है, इसको भी आप हटा दीजिए। डॉलर को जगह पे रुपीज करना चाहते हैं तो आप रुपीज भी कर सकते हैं। सेंट के जगह पे पैसा करना है तो पैसा भी कर सकते हैं। उसे मैं यहाँ पैसा कर देता हूँ, इस तरह से पैसा भी कर सकते हैं। सेंट के जगह पे आप पैसा कर दीजिए और डॉलर के जगह पे आप रुपीज कर दीजिए, 1 रुपीज। हो गया। अब देखिए यहां से डॉलर हट गया आपका। अच्छा 10 रुपीज है तो रुपीज हमने दिया, उसमें हमें एक स्पेस देना था, इसलिए ऐसा दिक्कत हो गया। तो रुपीज आ गया, राइट। अब इसको हिंदी में कैसे करेंगे? अब हिंदी में करने के लिए मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूं, और जहां सॉरी इसको पेस्ट करके जरूरत नहीं, मैं इसी में आगे इसी को दिखा रहा हूं सर। अब इसी में अब क्या है, देखिए कि आप देख चेक करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और फिर उसके ऊपर बढ़ेंगे आपको तो क्या दिखेगा, 30 40 50 16 है, या दे दिखेगा आपको तो 10 11 12 13 14 से लेकर 90 तक है। तो इसको आपको चेंज करना है हिंदी। तो सबसे पहले हिंदी के लिए हिंदी का फॉन्ट होना चाहिए, तो गूगल पे जाइए, कुर्ती देव या कोई और फॉन्ट है उस फॉन्ट को डाउनलोड कर लीजिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और मुझे तो पता है, आशा है कि हाँ आप लोगों को फॉन्ट इंस्टॉल करना आता होगा, और आपको अगर फॉन्ट की टाइपिंग भी तो आती ही होगी, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ है। अब इसके बाद जो है आप जो है वन बाय वन ऐसे लिखे, जैसे 1 2 3 हिंदी में हमने लिखा फॉन्ट, मैं पहले से लिख रखा हूँ क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग आती नहीं है, तो मैंने देख के लिख रहा हूँ। तो अब देख रहे हैं आपको, जैसे मैंने अपनी क्लासेस में बताई है कि आप जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं जो देख रहे होंगे, अभी भी मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं जो मेरे स्टूडेंट देख रहे होंगे, उनको मैंने बताया था एक चीज कि विजिबिलिटी चेंज होती है किसी भी फॉन्ट या फॉर्मेट से, ओलिटी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे एक दिख रहा है बट एक्चुअल में क्या है, कॉमा डी। दो दिख रहा है, एक्चुअल में क्या है, ये आपका एन एस के है। तो हमने क्या किया कि इसको वन बाय वन, अब इसका दो तरीके हैं, ध्यान दीजिए रखिएगा, अभी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज। इसमें एक और चीज भी बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है। तो आपको बस वन बाय वन इसी को चेंज कर देना, जैसे कि मैंने वन को चेंज कर दिया, देन हम इसको टू को चेंज कर देते, थ्री को चेंज कर देते, थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, पहले एक बार करना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर करने की जरूरत नहीं है। फिर आप 5 को करना, 6 7 8 9 और 10। चलिए 10 कर दिया।
अब मैंने चेंज कर दिया, ऐसे आप 11, 12, 13, 14, 21, 20, 30 सब चीजों पे जो भी आप नंबर्स है ना उसको चेंज कर देना होगा, क्योंकि सर मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, मैंने कभी हिंदी टाइपिंग की नहीं है, तो मुझे इसको करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल बता दिया कैसे करना है। अब देखिए इसमें स्पेल नंबर में अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 10 करता हूँ, देखिए देखिए 10 आ गया, लेकिन 10 के बाद दिख रहा है आपको ये जो चीज आ रही है ना 10 के बाद, एक कीजिए देखिए, सॉरी यहाँ पे मैं एक करता हूं तो यहाँ पे एक आएगा, दो दो, लेकिन जो रुपीज और रुपीज लास्ट में जो है ना, तो रुपीज वाला जो है कन्वर्ट हो जा रहा है किसी और इसमें स्पेल नंबर, क्योंकि हमने इसके ऊपर कुट्टी देव का फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है। तो आप जो है रुपीज को भी कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे जैसे आपके साथ भी प्रॉब्लम है कि आप भी जो है हिंदी टाइपिंग नहीं जानते, तो क्या हम गूगल ट्रांसलेटर को यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना आसान होता है, रुपये रुपये। अब इसको अगर मैं कॉपी करके डालता हूं किसमें, बीवीए में, तो यहां पे बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बात बनेगी? क्योंकि वीवीए उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, लेकिन आप इसको अगर उठा के किसी एक रेंज पे रख देते हैं, जैसे मैंने यहां पे रख दिया रुपए, ऐसे मैं रख देता हूं पैसे, पैसे लिया पैसे, तो इसको जो है लिंक किया जाता है, ऐसे लिखता हूं 12 12 तो इनको भी हम लिंक कर सकते हैं, कहां जहां पे रुपीज लिखा हुआ है ना, इसी रुपीज को मैं डिलीट करूंगा, और जहां रेंज है हमारा क्या है रुपए, ये है हमारा G2 एंड G3, तो यहां पे लिख दूंगा मैं रेंज G2 डॉट वैल्यू, और जहां हमारा यहां पे देखिए 1 पैसे है, पैसे को हटा देता हूं यहां पे और एक कॉन्कैटेनेट कर देता हूं रेंज जी। और हाँ इसमें सीट का रेफरेंस जरूर दे दीजिएगा, तो मैं एक्टिव सीट पे लग कर रहा है ना सर, इसलिए अगर मान लो अलग अलग सीट है तो आप अलग अलग सीट का रेफरेंस दे दीजिएगा G3 डॉट वैल्यू, और यहाँ भी हम G3 डॉट वैल्यू कर देते हैं रेंज G3 डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए 2 रुपए हो गया, रुपए के बीच में स्पेस नहीं है, तो यहां मैं क्लिक करता हूं और स्पेस देता हूं, अब देखिए तो 2 अलग अलग फॉन्ट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर सब एक ही साथ यहाँ पे लिख देंगे और सबको लिंक कर देंगे रेंज से, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेंज लिंक किया, जैसे मान लीजिए आपका 11 और 12 करना है ना, इलेवन है, अब इस 11 के जगह पे मैं लिखता हूं रेंज क्या है F2, F2। मैं सीट की बात कर रहा था कि सीट का रेफरेंस देना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर अलग अलग सीट पे लगाओगे तो देना पड़ेगा, कैसे देंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने है शीट्स, और कौन सा शीट है, तो शीट 2 है, इन्वर्टर कॉमा में हम यहाँ शीट 2 लिख देंगे डॉट, ऐसे 12 के लिए भी हम सेम कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं, और यहां पे हम 3 कर देते हैं। अब मैं अपने इस फॉर्मूले में मैं स्पेल नंबर में यहां पे डालता हूं 11, तो 11 रुपए आ गए,
मैं डालूंगा 12, और अच्छे फॉन्ट में आया, आप देख रहे हैं फॉन्ट ठीक ठाक है। तो दो तरीके मैंने बताया, एक तो आप फॉन्ट को फॉन्ट डाउनलोड कर लो, और जो लेटर लिखा हुआ है इस लेटर को वीवीए कोड में जहां पे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है उसके जगह पे आप डाल दो, ठीक है। या दूसरा, अगर आप यूज करते हैं गूगल ट्रांसलेट, यहां लिख के फिर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी करके फिर एक रेंज पे डालें और फिर उसमें वीवीए में उस रेंज को कॉल करें। तो इसमें क्या क्या डालना पड़ेगा आपको, ये तो जैसे मैंने बता दिया आपको कि 1 से लेकर 9 तक डालना है, फिर आपका ये 20 से लेकर 90 तक यहाँ डालना है हिंदी में, जैसे 20 से 20 30 ऐसे डालना है आपको, ऐसे यहाँ पे 30 50 और यहीं पे आपको जो है ये डालना है, तो आपका आना चाहिए। माफ कीजिएगा, ये जो आपका 13 14 है इसी को आगे आपको 100 तक ले जाना होगा, मैं यहाँ गलती कर दिया, इसमें आपको 20 30 40 30 20 इसको आप हटा, इसको आप हटा दीजिएगा, इसके जरूरत नहीं है, इसको रखने का, इसको रखने का जरूरत नहीं है, यही पे इसी कंटिन्यू केस 19 यहाँ पे हो जाएगा, केस 20 रिजल्ट इस तरह से, रिजल्ट इक्वल टू आप यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 20 के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेंज F4। अब F4 में यहाँ पे जो F4 है इस F4 में हम 20 लिख देते हैं, 20 ये पूरा 20 से लेके 100 से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं 20 लिख दूँ तो 20 आ जाएगा, अब 21 लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, 21 लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसी चीज को इसी तरह से कंटिन्यूअस 100 तक इसमें लिखना पड़ेगा, 100 तक इस सब को आप डिलीट, इस सब को आप डिलीट कर दीजिए और इसको सब को डिलीट करके 100 तक ले जाइए, और उसी तरह से ऊपर बढ़ेंगे आपको तो इसमें 1000 होगा, ये देखिए 1000 मतलब कि 1000 मिलियन लाख बिलियन ट्रिलियन इस तरह से आप इसका अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें 100 भी होगा तो 100 भी, इस कोड में अपने हिसाब से $10 अपने हिसाब से इसमें अपना चेंज कर सकते हैं। तो अब तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, अब आप लोग ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो मुझे कॉल कीजिएगा, और साथ में अगर चाहते हैं हमारे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेना तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ये हम डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे वीकेंड्स पे एंड आपका फास्ट ट्रैक एक्सपर्ट लेवल साइड लेवल की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। तो डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट ibtindia.com पे विजिट करें, वहाँ पे सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।